लो जी हम पहुंच चुके हैं फाइनली मनाली। देखिए मनाली का कैसा नजारा है। लो जी हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली और देख सकते हो क्या नजारा है भाई साहब, बहुत अच्छा नजारा। और देखो यहाँ पैराग्लाइडिंग भी की जाती है, अजीब व गरीब खेल किया जाता है। तो जी हमने की थी यहाँ पर कुकिंग, और कुकिंग करने के बाद में निकल गए अपन वापस अपने रास्ता पर। और वहाँ देखो कितना स्नो ऑफ रोड बना हुआ भाई, हालत खराब है। लो जी ऑफ रोड में स्टार्ट हो चुकी है। इतनी गंदी ऑफ रोडिंग थी। जी 12 घंटा में जैसे जैसे स्नोफॉल होने स्टार्ट हो चुके हैं, फिलहाल आपका थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल दिखाई दे रही होगी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। उससे पहले हम नीचे की ओर जाने वाले हैं, जो कि स्नोफॉल पर थोड़ा सा इश्यू रहता है, बाइक नहीं चल पाती, गीला हो जाती है, रोडे गीले हो जाते हैं, खतरनाक। तो इसके अंदर प्लान बनाया जल्दी से जल्दी नीचे निकल गया। लो जी 12 लाचा से नीचे की चढ़ाई करते हुए और अब नीचे की ओर जा रहे हैं। और ये पुल बन रहा है भाई साहब, ये पुराना पुल था, अब नया पुल बन रहा है। जा रहे हैं आगे से धीरे से धीरे बढ़ते बढ़ते मनाली की ओर निकल चुके हैं। फिलहाल 12 लाचा हो चुका है कंप्लीट। वैसे तो अभी मनाली रोड पकड़ी थी हमने, और ये छोटा सा वोटर पॉल है यहाँ पर। यहाँ पर अजी छोटा सा पेट्रोल पंप, और ये 12 लाचा के नीचे की ओर है। फिलहाल हम 12 लाचा से नीचे आ चुके हैं और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हो गाइस कैसे सुंदर सुंदर नज़ारे आने स्टार्ट हो चुके हैं। और फिलहाल बादलों का भी जैसे पहाड़ों में मिलन हो रखा है वैसा हो रखा है, और मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश वाला हो रखा है, हो सकता है बारिश मिल जाएगी हमारे को। और फिलहाल हम चल रहे हैं आगे की ओर मनाली की ओर, आशायद हो सकता है मनाली पहुँच जाएंगे। फिलहाल अपना टारगेट मनाली का ही है, अगर थोड़ा वक्त मिलेगा तो हो सकता है मनाली से आगे भी निकल जाएंगे। लो जी गाइस तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं धारचूला, और यहाँ से धारचूला से 2 रास्ते काटते हैं, एक जाता है मनाली की ओर, एक साइड जोजिला पास की ओर जाता है। मेरे को कंफर्म देखो पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा नोटिस करा देता हूँ। अगर भाई कोई जानता हो मैं इधर नहीं गए जा चुका हूँ, लेकिन इधर से आ रहे हैं। तो फिलहाल धारचूला पहुँच चुके हैं, और धारचूला में भाई साहब बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, यहाँ पर अपने को एंट्री करनी पड़ती, फिर आगे की ओर हमारे को बढ़ने देते हैं ये लोग। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, और जाम भी काफ़ी है, थोड़ा क्राउड भी अब दिखने लगा है मेरे को, पहले से क्राउड का पता नहीं था, लेकिन अब फिलहाल क्राउड है। तो देखते हैं कितने देर में पहुंच पाते हैं मनाली आज। हाँ जी धारचा आ चुका है, और उसके आगे 6 किलोमीटर जिसको आने वाला है। तो अभी हम धारचा में हैं, और ये धारचा देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है भाई साहब, बहुत अच्छा है नज़ारा धारचा का। लो जी एक छोटा सा पुल है, और बहुत प्यारा पुल है, बहुत अच्छा लगा है, चार तक नदियां देख लो, और कितने अच्छे अच्छे नौका। अगली बार आऊंगा दोस्तों तो मेरी मैं बता दू, अगली बार 1 महीने के लिए लद्दाख गया, इस बार थोड़ी जल्दी मिल सकती है, अगली बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सपोज में इन चीजों को नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मेरे साथ ना भैया वो साथ वाला जो थोड़ी जल्दी ले आऊंगा अगली बार, हम जरूर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से इसको, लगभग 1 महीने लग 1 महीने तो मान लो आप ज्यादा ही मान लो 1 महीने से, बहुत प्यारा। देखो हम उधर से होते हुए चारों तरफ ऐसे ऐसे होते 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 आ रहे हैं, देख सकते हो आप, ये मनाली हाईवे जा रहा है।
देख लो जी कितना अच्छा नज़र आ गया भाई साहब, देखो बहुत अच्छा लग रहा है यार रियल में सच में ना। फिलहाल कुछ तो हरियाली, कुछ बर्फ और कुछ सूखे पहाड़, ये अजीब गरीब मिलते हैं ना, बहुत फीलिंग अच्छी होती जाती है यार, बहुत मज़ा आ रहा है फिलहाल सच में। कैसे कैसे मौसम का पलटवार होता है, कैसे कैसे नज़ारे मिल जाते हैं अपने को देखने के लिए, सुपर यार। तो गाइज अपनी गाड़ी में आ चुका है 630 रुपये का पेट्रोल और फिलहाल हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। और बीच में पेट्रोल पम्प आया था और ये यहाँ से लास्ट पेट्रोल पम्प शुरुआत होती है फिलहाल, और आगे आपको कहीं पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा फिलहाल लेस से पहले, लेकिन यहाँ से लास्ट पेट्रोल पम्प है। देख सकते हो गाइज कितना अच्छा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है सामने से और बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यार। फाइनली रियल में यार देखते हैं कैसे कैसे नज़ारे मिलते हैं देखने को, लेकिन बहुत अच्छा है यार। ऊपर से आ रहा है पानी और जमा भी है बर्फ़ की तरह जम रखा है और धीरे धीरे पिघल रहा है धूप के कारण। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं फिलहाल अटल टनल, और देखिए भाई साहब अटल टनल में कितना जाम लगा है यार, रियल में पहले बार देख रहा हूँ इतना भी जाम लगता है क्या टनल में भी। और देखो आगे आगे देखते हैं कितना फाइनल गाइस देखो कितना बड़ा जाम मिल चुका है भाई साहब बहुत, और टनल में इतनी गाड़ियां लगी हुई है, अफसोस कर रहा हूँ कि यार टनल के अंदर इतना जाम बाहर कितना होगा मेरे हिसाब से फिलहाल। और देखता रहा हूँ जब तक दे रहा हूँ, आंखों से आंखें दिख रही हैं जब तक रोशनी जा रही है, मेरे को जाम ही जाम लग रहा है यार। फाइनली पता नहीं इतना जाम कैसे लगा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी कारणवश कोई बर्फबारी हो रही है, समझ में नहीं आ रही यार मेरे को कहानी, पता नहीं। फाइनली टनल क्लोज होने वाली है और हम टनल से बाहर पहुंचने वाले हैं, देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा मिलता है। और फाइनली आगे भी अगर मेरे को जाम मिलता तो देखते हैं किस कारण बस ये जाम लगा हुआ है, हम आपको आगे कमेंट में बता देंगे ये आपको जो भी है। लेकिन फाइनली आज मैं पहले बार अटल टनल से निकला हूँ और इतना बड़ा जाम प्रिय टनल खत्म हो चुकी है 5 किलोमीटर का जाम, फाइनल गाइस हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के बाहर और देख सकते हो अटल टनल रोहतांग पास लिखा है और फाइनली जाम लगा हुआ है। वैसे तो कोई एक्सीडेंट, हेलो जी हाँ एक्सीडेंट हो गया था वो देख सकते हो, ये इस कारण बस थोड़ा जाम लगा हुआ था, एक सकते दो गाड़ियों के बीच में। सोलान वैली मनाली 24 कुल्लू 63 उत्तराखंड पोर्ट मंडल शिमला दिल्ली। लो जी इतने दिन आप लता के शेयर कर रहे थे बर्फ देख रहे थे, देखिए हरियाली इज हिमाचल, हम अभी हिमाचल में अभी मनाली पहुंचने वाले थोड़ी देर में, बस हमारा मनाली पहुंचने का टाइम कंप्लीट फाइनल हो चुका है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मनाली है। तो भैया जी हम अटल टनल से निकल चुके हैं
और अब मनाली के लिए जा रहे हैं। मनाली से होते हुए आगे निकल जाएंगे राजस्थान की तरफ। फाइनली गाइज हम पहुंच गए सोलांग वैली, और सोलांग वैली पहुंचने के बाद में हमारे को अपने भाइयों का कॉल आ चुका है। तो भाई यहां पर ये है फिलहाल, ये भाई मिल चुके हैं और ये है देखो कितने अच्छे अच्छे नज़ारे। यहाँ ग्लाइडिंग राइडिंग बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब खेल किए जाते हैं यार, बहुत अच्छे एंजॉय करने के लिए है। ये भी जगह अच्छे लोकेशन है, देखने के लिए मज़ा आ गया है यार। लो जी अपनी बाइक में एक तो ब्रेकिंग करवा ली वापस तैयार, और एक ऑयल गिरवा दिया चेन में, और बाकी फिलहाल रेडी है अब निकलना अपने को आगे की ओर। ये देखो गाइस ये जगह पे गई थी अभी मनाली में, आपको पता उस समय कौन आया था खतरनाक। ये डबल लाइन थी लेकिन एक लाइन जाएगी पूरी, कितना नुकसान हुआ यार, कितना नुकसान, खतरनाक नुकसान हो चुका है। लो जी कल जल्दी देख लीजिए मनाली की, ये है जी मनाली सिटी टूरिस्ट पैलेस। और यहाँ लगा रहता है हमेशा जाम। और यहाँ होता है देखो क्या कुछ चीजें दिखाई दे रही है, हमारे को कुछ चीजें दिखाई दे रही है, इससे मतलब भी आया है नाम। देखो भाई यहाँ पर पुल रह गया, पूरा पुल था, पूरा पुल रह गया, इतना नुकसान है मकान का। मकान अच्छे लोग कुछ मनाली का नजारा देख लीजिए, और भी कुछ देखने के लायक मिला आपको खाने के लायक। ये देखो कटराई पहुंच गए हैं, कटराई और कटराई में किया जाता है मोबाइल कटराई कुछ, इसका चार्ज समर्थन कितना होगा देखो है जगह अच्छा। एक अब अपन अपने बंदों का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, खाने पर निकल जाएंगे अपन पीछे पीछे रह जाए तो एक थोड़ा सा हो जाए। ये लो दोस्तों ऐसे हो रही है राफ्टिंग, शाम का समय हो चुका है थोड़ा, इसलिए थोड़े से आपको कैमरा में अच्छा फोकस नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये राफ्टिंग की जा रही है अभी शाम को देख लेते हो। पांच बंदे 10 बंदे है जो राफ्टिंग कर रहे हैं, वो पकड़ के बैठे हैं जैसे डर लग रहा रहेगा। पीछे भी हरी बोट जी। शाम का 5 बजे का खाना आ चुका अपना, और नाइट का देखते हैं कब तक खाएंगे, दोपहर का नहीं खाया ना तो भी खा। लो जी गाइज गुड इवनिंग, और फिलहाल हमने घूम ले लिया कुल्लू में, और सामान दे सकते हो भाई, सामान की पहले तुल देख लीजिए अब सामान कितना है। सबसे पहले सामान देख लो, एक राइडर का रूम देख लो कैसे होता है। ये है जी रूम की कहानी, पर अभी कुल्लू में हमने रूम लिया है क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हम निकलने वाले थे पठानकोट के लिए चंडीगढ़ के लिए लेकिन नहीं निकल पाए। आपको बार का भी चेकआउट करा देता हूँ थोड़ा सा, नाइट का देख लीजिए, ये है कुछ नाइट का